हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज की हमारी वीडियो होने वाली है लेटेस्ट वन ट्रेंडी जीन्स आइडिया फॉर गर्ल्स या वूमेन। यूँ तो इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं बहुत सारे लेटेस्ट न्यू पैटर्न डिजाइन जीन्स के, जो आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं। बट अगर आप बाई करने वाले हैं अपने लिए जीन्स, तो बहुत सारी खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली बात है कि जब भी आप जीन्स लेने जाएं तो सबसे पहले जीन्स का लेवल ज़रूर देखें। कि जीन्स में डेनिम कॉटन की मात्रा कितनी है, क्योंकि कई बार होता है कि डेनिम के साथ लाइक्रा भी मिला होता है, जिससे कि आपको वो डेनिम कंफर्टेबल नहीं लगती है और आप चूज़ कर लेते हैं एक गलत जीन्स का। जीन्स चूज़ करने से पहले अपने बॉडी टाइप का ख्याल रखिए, आप उसी के अकॉर्डिंग कोई भी जीन्स चूज़ कीजिए तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। यदि आपकी जो लेग है वो पतली है तो आप स्किन टाइट जीन्स चूज़ करें, वो आप पर काफ़ी अच्छी लगेगी। बट ख्याल रखिए, अगर आपकी लेग्स बहुत ज़्यादा पतले हैं तो वो आपके लुक को ख़राब भी कर सकते हैं। सो जब भी जीन्स खरीदें, थोड़ा सा ख्याल रखिए कि स्किन टच होनी चाहिए, बट उतनी ज़्यादा भी नहीं कि आप पतली हो तो आपको बहुत ज़्यादा पतला दिखाए। अगर आप हो थोड़े से गोलू मोलू टाइप, तो आपको आर्क शेप वाली जीन्स चूज़ करनी चाहिए या कप जीन्स बेहतर रहती है। ये जीन्स स्ट्रेट फिट के विपरीत होती है, अपोजिट होती है, और उन लोगों पर ज़्यादा अच्छी लगती है जिनकी थाइयाँ थोड़ी सी मोटी होती हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखिए, अगर आप थोड़े से मोटे हो तो आपको इस तरीके की जीन्स चूज़ करनी चाहिए। यदि आप हैं ज़्यादा लंबे, तब आप बूट कट जीन्स या बेल बॉटम टाइप जीन्स चूज़ कर सकती हैं और उनकी तरफ जा सकती हैं। उससे क्या होगा ना कि आपका जो हाइट है ना, वो थोड़ा सा छोटा दिखेगा, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं लगोगे आप, और एकदम आइडियल लुक देगा ये आपको। बेल बॉटम टाइप जो जीन्स होती हैं, जिस गर्ल्स की हाइट थोड़ी कम होती है उनको चूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी हाइट और कम शो करेगी। तो जब भी आप जीन्स बाई करने जाएं, तो इन बातों का ख्याल रखिए और लेकर आ जाइए अपने लिए एक फिट जीन्स और बन जाइए।